सो हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम फिर से देखने वाले मोस्ट फनीस्ट मीम। तो अभी दिवाली आने वाली है और ये वीडियो दिवाली के दो या तीन दिन बाद भी आ सकती है या फिर दिवाली के दिन भी आ सकती है। तो अगर दिवाली के दिन आ रही हो तो आपको हैप्पी दिवाली, और दिवाली के दिन के बाद आ रहे हो तो आपको बिलेटेड हैप्पी दिवाली। और गाइस जितना हो सके उतना क्रैकल्स कम फोड़ो, मेरे बोलने से तो आप कम फोड़ने वाले हो, पर गाइस जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो। तो चलो अभी हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एल्विश यादव नेवर हेजिटेट। एल्विश भाई अभी आपने बिग बॉस विनर मुनावर को हराया, तो अब लगता है प्रिंस को हरा पाएंगे। सवाल मेल नहीं खाता, बट इसका आंसर है यस। सीनियर मेंटोर नहीं है तो क्या उम्मीद है सीनियर मेंटोर एज का? देखो वी वांट टू सी कि जीतने के लिए आप क्या-क्या कर सकते, या फिर अपना नाम एल्विश भी रख सकते। तो गाइस यही है कि रोडीज न्यू सीजन आ चुका है और आने वाला है, मतलब आया नहीं अभी तक, पर उसमें जो रणविजय सिंह है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए एल्विश यादव ने, क्योंकि वो मतलब एक्सपीरियंस बंदा है, रोडिस पे बहुत पहले से है और वो भी जीत सकता है मुझे ऐसा लगता है। पर देखते हैं अभी क्या मालूम क्या होता है। अभी हम दूसरे नेक्स्ट मीम देखते हैं। मांगने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है जी। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा। देना है कि नहीं? दे रही हो। गुरु जी हमको भगवत गीता चाहिए आपके हाथों से। दे देंगे, काहे परेशान हो रही हो मेरी माँ। हम लोग काल चले दे दीजिए। हम दे देंगे। क्या आप क्या डरे हुए ये बताइए, आप डरे हुए परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से किसको डर नहीं लगता, मेरे को जिंदगी। भाई आंटी सच में ऐसा पूछ रही है कि देना है कि नहीं, मतलब समझ सकते हो। अभी हम नेक्स्ट मीम देखते हैं। ब्रो ओनली वांट्स, क्या बोलते हैं इस चीज को? कॉन्टैक्ट जगलिंग। कॉन्टैक्ट जगलिंग, और दो बॉल से नहीं कर पाते अभी, चार से भी कर सकते हैं। चार से भी कर सकते हैं, चलेंगे बादशाह। आपको क्या लगता है ऐसे मिलते हैं रोल? ओ भाई समय बाय टॉकिंग ट्रूथ, मतलब ये सही हो सकता है। अभी मैं तो गया नहीं हूँ फिल्म इंडस्ट्री में इसलिए मुझे पता नहीं है, पर ऐसा हो सकता है। और ट्रूथ बोलते हैं समय बाय, इसलिए उनका सैलरी पाया जाता है और बहुत ही कॉमेडी, और आप तो उन्हें देखते होगी, इसलिए अभी हम नेक्स्ट मीम देखते हैं। कैपेसिटी कैसीपीटी। वैसे सॉरी, तूने पोपटलाल को कितना डोज दिया? पटियाला डबल डबल पटियाला। छोटी है तूने क्या किया भाई? अरे तुझे समझना चाहिए ना दोस्त, तेरी कैसे पट्टी पे कितनी, उसकी कैसे पट्टी पे कितनी। भैया जेठालाल ऑलवेज, मतलब उसकी और दया बहन की इंग्लिश बहुत ही खतरनाक रहती है। और अभी हम नेक्स्ट मीम देखते हैं। वेट फॉर फोर्थ वन। ये सब मेरे खास दोस्त हैं, मैं आपको इनसे मिलवा दूं। ये है प्रथम, ये है द्वितीय, ये है तृतीय, और ये है भाई यार जिनको मैंने अपने आप को एडजस्ट किया फिर भी भाई कृष्णा भाई वो भी यार मतलब खतरनाक कॉमेडी करते हो, कपिल शर्मा शो में भी और अभी तो बिग बॉस में भी आ ही रहे, तो खतरनाक कॉमेडी करते है और उनका मतलब रोल भी बहुत खतरनाक करते हो। अभी हम नेक्स्ट मीम देखते हैं। द अनएक्सपेक्टेड कोलैब। जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, कान क्या होता है? जिससे अभी मेरे खून आ रहा। क्या मेरी पैरोडी कर रहे हो? आपको क्या लगता है मैं आपकी पैरोडी कर रहा हूँ? मेरी पैरोडी करना बंद करो। बंद तो दे रहा हूँ, मैं चावल करूँ उसे खरीद के पूरे यूट्यूब की माँ चोद रखी है, उनकी तीन पॉडकास्ट मिलता है, धकाधक धकाधक धकाधक, कभी येटी के बारे में सोचता है, कभी मौत के बारे में सोचता है। आपने कभी ढंग के कंटेंट के बारे में सोचा? अब तो पॉडकास्ट वाले माइक को भी देख के उल्टी आने लगी है। भाई 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 कैरी मीनाटी ने एक खतरनाक वीडियो निकाली है, उसमें सबसे बड़ा कोलैब मुझे लगता है वर्ल्ड में, पर यूट्यूब पे
कि हुआ होगा इतना बड़ा कोलैब मिस्टर बीट्स और जो जो सबसे ज्यादा फेमस है जैसे कि भुवन बाम, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, पूरव झा, ये सब आए। तो अभी देखते, मैंने तो वीडियो देख ली है, मस्त कॉमेडी वीडियो है। तो अभी हम नेक्स्ट मीम देखते हैं। सुंदर बी लाइक मोए मोए। तेरा साला सुंदर। तुम्हारा साला सुंदर है? हाँ। तुम्हारा साला सुंदर है, मुझे क्यों बता रहे हो? मैं क्या कोई मैरिज ब्यूरो चला रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये साला मेरा सुंदर है। इसे सुंदर कौन बोलेगा? मोए मोए। भाई यार, तारक मेहता के मीम्स और वो एपिसोड्स यार, मुझे ओल्ड दिन्स मतलब मेरा बचपन याद आता है ये सब देख के, खतरनाक। अभी हम नेक्स्ट मीम देखते हैं। रजत का माना ना माने के पास में दम है, मुझे रोक के दिखाना, किसी एक के भी पास में दम है, रोक के दिखाना। मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, लड़ाई हो, कलेश हो, कुछ भी हो, घर में मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। अभी हम नेक्स्ट मीम देखते हैं। सलमान के सामने धमकी दे दी। ओके, किसका फोन रजत को जाएगा? सर उसने हुल पट्टी दी, मैंने भी बाहर आके दे दी, सर आएगा किसका फोन? किसी का फोन नहीं आएगा। मेरे को बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, ये आगे पीछे ऊपर नीचे का सारा जोर भी लगा लेंगे ना। मैं आपके आगे ये चीज बोल रहा हूँ, मैं 15 दिन के अंदर इनसे सॉरी बुलवा के दिखाता हूँ। भाई मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था आपको कि रजत दलाल सॉरी बुलवाता है, सॉरी बोलता नहीं है, इसलिए ये देख लो अभी वीकेंड के बारे में तो उन्होंने बोल ही दिया। अभी हम नेक्स्ट मीम देखते हैं। जेठालाल बाइक राइडर। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, एक काम करता हूँ, सोसाइटी में जाके पर्सनली किसी के घर जाके कुछ करना पड़ेगा। बराबर, चलो। भाई टेंशन के वजह से हो रहा है जेठालाल भाई, सब टेंशन के वजह से होता है, हो जाता है, हमसे भी होता है कभी कभी। तो अभी हम नेक्स्ट मीम देखते हैं। आप सभी को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये अनएक्सपेक्टेड है। भाई अनएक्सपेक्टेड था, मुझे मालूम नहीं था ऐसा कुछ हैप्पी दिवाली या कुछ आएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड वंस अगेन आपको हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।